स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर एंड रेडियन मेजर्स के बारे में पढ़ा था और डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था। आज हम उस पर बेस्ड एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में जो है एंगल जो है डिग्री में दिया हुआ है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था कि अगर डिग्री मेजर में एंगल दिया हुआ है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट आपका है 25 डिग्री। तो इस 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका इतना रेडियन हो जाएगा। अब 5 से 25 को 5 टाइम्स में कटाएंगे और 180 जो है 5 3 15, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 0 30, 5 6 30, ये आपका हो गया 5 पाई बाई 36 रेडियन आंसर हो गया आपका। दूसरा जो है, आप जो डिग्री और रेडियन का जो रिलेशनशिप था उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। सेकंड मेथड, गिवन इस क्वेश्चन में डिग्री मेजर आपका दिया हुआ है 25 डिग्री। वी नो दैट, और हमने रिलेशनशिप पढ़ा था डी बाई 90 इक्वल्स टू 2c बाई पाई। अब इस रिलेशनशिप में हम डी का वैल्यू 25 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 25 बाई 90 इक्वल्स टू 2c बाई पाई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 92 जा 180, c इक्वल्स टू 25 पाई। दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू 25 पाई बाई 180। 5 से 25, 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, 180 जो है 36 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो अब ये आपका बच जाएगा 5 पाई बाई c 36 रेडियन, यही आपका आंसर हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन आपका है -47 डिग्री 30 मिनट। तो यहां पर एंगल जो है डिग्री और मिनट दोनों में दिया हुआ है, यानी मेन यूनिट के साथ साथ सब यूनिट भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो सब यूनिट है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 मिनट, 1 मिनट 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है, तो 30 मिनट को पहले हम डिग्री में बदलेंगे, ये हो जाएगा 30 बाई 60 डिग्री। अब 30 बन जाए 30 और 32 जाए 60, ये हो गया आपका 1/2 डिग्री। दिस इंप्लाइज -47 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू -47 प्लस 1/2 डिग्री।
अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 47 टू जा 94 प्लस 1 बाय 2, यानी ये आपका हो गया माइनस 95 बाय 2 डिग्री। अब ये आपका मेन यूनिट डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इस डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपका हो जाएगा माइनस 95 बाई 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। अब 5 से 95 को डिवाइड करेंगे 19 आएगा, और 5 से 180 को डिवाइड करेंगे 36 आएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस 19 पाई 36 टू जा 72, इतना रेडियंस हो गया आपका। ये आपका आंसर हो गया। अब आइए थर्ड में। थर्ड आपका है 240 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 180 से। अब यहाँ जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, ये बच गया आपका 4 पाई बाई 3 रेडियन। फोर्थ नंबर है 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 52, 2 टू जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये आपका हो गया 26 पाई बाय 9 रेडियन। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, आप इसे प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स यूजिंग पाई इक्वल्स टू 22/7, जिसमें से फर्स्ट आपका है 11/16 रेडियन। तो इसके सॉल्यूशन में जब हम करेंगे तो 11/16 रेडियंस आपका दिया हुआ है। तो पिछले लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था कि रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो उसे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर होगा 180 बाई पाई। तो इसको हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 90। सॉरी ये 8 होगा, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 45 होगा। अब 11 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 4 जा 44 एंड 5 49 बाय 4 पाई। अब इसमें पाई का वैल्यू हमें 22/7 यूज करना है, तो 495 बाई 4 इंटू 22/7, अभी आपका हो जाएगा 495 मल्टीप्लाई 7 बाई 4 इंटू 22। अब इस 22 और 495 इन दोनों को
11 से कैंसिल करेंगे, 11 टू जा 22 और ये हो जाएगा 11 फोर जा 44 एंड 11 फाइव जा 35। अब ये आपका आ गया 7 फाइव जा 35 कैरी 3, 7 फोर जा 28 एंड 3 31 315 बाय 8 डिग्री। अब डिग्री जो है फ्रैक्शन में आया, अब इसको हम क्या करेंगे कि 8 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 थ्री जा 24, 1 में से 4 माइनस नहीं होगा कैरी करेंगे तो 11, 11 में से 4 माइनस होगा 7, कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 75, 8 9 जा 72, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। यानी 315 बाई 8 डिग्री मीन्स आपका हो गया 39 होल 3 बाई 8 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3 बाई 8 डिग्री। अब इस 8 डिग्री को फर्दर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 3 बाई 8 मल्टीप्लाई 60 मिनट। अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 टू जाए 8, 4 से 60 कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स में, ये हो गया 15 थ्री जा 45, यानी 39 डिग्री प्लस 45 बाई 2 मिनट। अब इस 45 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू जा 4 कैंसिल, फिर 2 टू जा 4 रिमाइंडर 1, ये आपका हो गया 39 डिग्री प्लस 22 होल 1 बाई 2 मिनट, ये आपका हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1 बाई 2 मिनट। अब फिर इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकंड। ये हमने डिग्री मेजर ऑफ एंगल्स के अंतर्गत पढ़ा था। तो अब इस 1 बाई 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फर्दर हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1 बाई 2 इंटू 60। अब इस 2 से 60 को कैंसिल करेंगे 30 आएगा, तो अब आपका रिजल्ट हो गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है -4 रेडियन। -4 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड पार्ट का जब सॉल्यूशन करना होगा तो -4 रेडियन, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हो जाएगा -4 इंटू 180 बाई पाई। अब जब 180 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 फोर जा 72, तो -720 बाई पाई डिग्री। अब इसमें पाई का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा -720 बाई 22 बाई 7,
इतना डिग्री आपका जाएगा। अब 702 में 20 में 22 बाई 7 से डिवाइड किया हुआ है, तो जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। अब आपका रिजल्ट हो जाएगा -720 -7/22। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 360 आएगा। अब 360 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 7 6 42 कैरी 4, 7 3 21 4 25, तो -2520/11 इतना डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे कि 2520 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 2 जा 22, 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1 हो गया। ये आपका आ गया -229/1/11 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं -229 degree + 1/11 degree। अब इस 1/11 डिग्री को फर्दर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आपका हो जाएगा 229 degree + 1/11 × 60 मिनट, ये हो गया -229 degree + 60/11 मिनट। अब इस 60 को 11 से फिर डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर बचेगा, ये आपका हो गया 229 degree + 5/11 मिनट इक्वल्स टू हो जाएगा 229 degree + 5 minute + 5/11 मिनट। अब फिर इस 5/11 मिनट को सब यूनिट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकंड। तो 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 229 degree + 5 minute + 5/11 × 60 सेकंड, ये आपका वैल्यू आ गया 229 degree + 5 minute × 65 = 300/11 सेकंड। अब 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22 8 0 80, 11 7 जा 77 3.30 27.3 अप्रॉक्स आएगा, तो -229 degree + 5 minute + 27.3 सेकंड, इसे हम लिख सकते हैं -229 degree
5 मिनट 27 सेकेंड अप्रॉक्स, यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर इसके बाद थर्ड पार्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड है 5π/3 रेडियन इसको डिग्री में कन्वर्ट करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 5π/3 में हम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा डिग्री में होगा। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 180 60 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 6 5 जा 30, दैट मीन्स 300 डिग्री आंसर हो गया। फोर्थ है 7π/6 रेडियन, तो 7π/6 रेडियन, फिर इसको भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π। अब फिर यहां पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 6 से 180 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, ये आपका हो गया 210 डिग्री। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट हम लोग सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, आप इसे प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपका डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर और रेडियन मेजर से रिलेटेड है और ये आरडी शर्मा की बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें है कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2/3x ग्रेड्स एंड अनदर इज 3/2x डिग्री, व्हाइल द थर्ड इज π/x/75 रेडियन, एक्सप्रेस ऑल द एंगल्स इन डिग्री। तो इसके सॉल्यूशन में मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है आपका ABC, जिसमें एंगल ए जो है 2/3x ग्रेड के इक्वल है, एंगल बी जो है 3/2x डिग्री के इक्वल है और एंगल सी जो है π/x/75 रेडियन के इक्वल है। तो हम लिखेंगे कि लेट ABC BA ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 2/3x ग्रेड, एंगल बी इक्वल्स टू 3/2x डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू π/75 रेडियन। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑल एंगल्स को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए ग्रेड मेजर में दिया हुआ है और एंगल सी रेडियन मेजर में दिया हुआ है, तो पहले हम ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ग्रेड और डिग्री का रिलेशन, d/90 इक्वल्स टू g/100। दिस इंप्लाइज अब ग्रेड को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो d बराबर हो जाएगा 90/100 इंटू जी।
यानी ग्रेड को अगर हम 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2/3x को हम 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपका अब डिग्री। 3 से ही 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया 3x/5 डिग्री। थर्ड एंगल जो है वो रेडियन में है और रिलेशन रेडियन और डिग्री का होता है d/90 = 2c/π। ये हो गया 180c = π × d। दिस इंप्लाइज d = 180c/π। यानी रेडियन को अगर हम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे π x/75 × 180/π। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 15 × 5 = 75, 15 × 15 = 30। तो ये आपका हो गया 12x/5 डिग्री। और आपने क्लास 9 में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा होगा जिसमें था द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल ए का वैल्यू है 3x/5, एंगल बी का वैल्यू है 3x/2 और एंगल सी का वैल्यू है 12x/5। ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। अब 5, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होगा 10, 5 से 10 2 टाइम्स में कटेगा, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6x। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 × 3 = 15x। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 12 × 2 = 24 = 180। अब 15 + 6 = 21 + 24, ये आपका हो गया 45x = 180 × 10। दिस इंप्लाइज x = 180 × 10/45। अब 9 से 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 5 × 4 = 20। तो x का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए, तो एंगल ए था 3x/5 डिग्री। अब इसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 3/5 × 40, 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24 डिग्री। एंगल बी था 3/2x, ये हो जाएगा 3/2 × 40, तो 2 से 20 टाइम्स में कैंसिल होगा, 20 × 3 = 60 डिग्री। एंगल सी था 12x/5,
12 by 5 into 40, 5 at the 40, 12 at the 96 degree. यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें। तो इसके बाद आर एस अग्रवाल की बुक से एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। आप इसे प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 4 है। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लेस्ट। फाइंड ऑल द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियंस। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी और कहता है कि इस ट्रायंगल का एंगल्स जो है एपी में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होता है और जब एपी में थ्री टर्म्स होता है तो उस थ्री टर्म्स को ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लिया जाता है। हम यहां लिखेंगे लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल्स टू ए माइनस डी एंगल बी इक्वल्स टू ए एंड एंगल सी इक्वल्स टू ए प्लस डी। दिस इंप्लाइज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए का वैल्यू है ए माइनस डी, बी का वैल्यू है ए और सी का वैल्यू है ए प्लस डी। ये तीनों मिलकर के 180 हो जाएगा। अब आपका माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस ए प्लस ए दैट मीन्स 3a इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाई ए इक्वल्स टू 3 इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड ले जाएंगे तो डिवाइड होगा। तो 3 से 180 60 टाइम्स में कैंसिल होगा। ए का वैल्यू आपका आ गया 60 डिग्री। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट, यानी जो सबसे बड़ा एंगल है वह सबसे छोटे एंगल का डबल है। तो एंगल ए एंगल बी और एंगल सी इसमें सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है एंगल सी और लीस्ट एंगल है ए माइनस डी। तो दैट मीन्स ए प्लस डी इक्वल्स टू 2 इंटू ए माइनस डी। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल्स टू 2 ए माइनस 2 डी। अब डी को इस तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा डी प्लस 2 डी इक्वल्स टू 2 ए माइनस ए। ए हो गया डी में 2d को प्लस करेंगे ए हो जाएगा 3d और 2a में से a को माइनस करेंगे ए हो जाएगा a। दिस इंप्लाइज 3d इक्वल्स टू a का वैल्यू हमारा है 60। इस a के प्लेस पे 60 लिख देंगे। दिस इंप्लाइज d इक्वल्स टू
60 बाय 3, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 3 से जो है 60 20 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो डी का वैल्यू 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि तीनों एंगल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एंगल ए का वैल्यू है ए माइनस बी, ए का वैल्यू 60, डी का वैल्यू 20, ए हो गया 40 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू ए है, ए हो गया 60 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू ए प्लस डी है, तो ए का वैल्यू 60, डी का वैल्यू 20, ए हो जाएगा 80 डिग्री। हेंस अब इसमें डिग्री मेजर और रेडियन मेजर दोनों कैलकुलेट करना था, तो डिग्री मेजर ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। अब इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो नाउ रेडियन मेजर्स इक्वल्स टू, अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, 60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 एंड 80 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। अभी जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 2 4, 2 9 18, ये हो गया 2π/9 रेडियन। इसमें जो है फिर 0 से 0, 6 3 18, ये हो जाएगा π/3 रेडियन। और फिर यहाँ 0 से 0, 2 4 8, 2 9 18, ये हो जाएगा 4π/9 रेडियन। यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखेंगे और एक और प्रॉब्लम आर एस अग्रवाल के एग्जांपल से सॉल्व करना सीखेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, आप इसे प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के एग्जाम्पल से रिलेटेड है। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ए पी एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इंक्रीज्ड टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60:π। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियंस। ट्रायंगल का एंगल जो है ए पी में, और ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, और एपी में 3 टर्म्स या 3 नंबर्स ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लिया जाता है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। दिस इंप्लाइज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स का सम 180 होगा। द सम ऑफ 3 एंगल्स
of a triangle equals to 180 degrees. This implies A minus D plus A plus A plus D equals to 180 degree. अब प्लस डी और माइनस डी आपका कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए 3A होगा इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज 3A में 3 मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 180 बाई 3. 3 से 180 को कैंसिल करेंगे 60 आएगा, ये हो गया आपका 60 डिग्री. देयरफॉर लीस्ट एंगल ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, तो इसमें लीस्ट एंगल आपका हो जाएगा ए माइनस डी और ए का वैल्यू 60 है, ये हो गया 60 माइनस डी डिग्री. और प्रॉब्लम में दिया हुआ था डिग्री इन लीस्ट, यानी लीस्ट एंगल हमारा डिग्री में होगा, ग्रेटेस्ट एंगल तो ग्रेटेस्ट एंगल होगा ए प्लस डी, ए का वैल्यू 60 तो 60 प्लस डी डिग्री होगा, और ग्रेटेस्ट एंगल हमारा है रेडियन, रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आपका हो गया इतना रेडियंस. अब हम बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन में कहता है कि स्मॉलेस्ट एंगल का डिग्री मेजर और ग्रेटेस्ट एंगल के रेडियन मेजर का रेशियो 60 रेशियो पाई है. तो स्मॉलेस्ट एंगल का डिग्री मेजर हो गया 60 माइनस डी, ग्रेटेस्ट एंगल का रेडियन मेजर हो गया 60 प्लस डी मल्टीप्लाई पाई बाई 180, और ये किसके इक्वल है तो 60 बाई पाई के इक्वल है. अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस डी मल्टीप्लाई पाई इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 60 प्लस डी मल्टीप्लाई पाई बाई 180. अब इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 हो गया, और दोनों साइड से पाई कैंसिल हो जाएगा. अब आपका रिजल्ट हो गया 3 मल्टीप्लाई 60 माइनस डी इक्वल्स टू 60 प्लस डी. 60 3 180 माइनस 3D इक्वल्स टू 60 प्लस डी. अब डी को वन साइडेड करेंगे, यानी वेरिएबल पार्ट को वन साइड और कांस्टेंट पार्ट को वन साइड, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 3D प्लस डी. 3D में D को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4D, 180 में से 60 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 120. दिस इंप्लाइज D इक्वल्स टू 120 बाय 4. 120 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 20, ये आ गया 30 डिग्री. देयरफॉर डिग्री मेजर, डिग्री मेजर क्या था, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू है 60
माइनस डी का वैल्यू है 30, 60 एंड 60 प्लस 30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 में से 30 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 प्लस 30 90 डिग्री। ये आपका एंगल का डिग्री मेजरमेंट हो गया। आल्सो रेडियन मेजर्स इक्वल्स टू फर्स्ट एंगल था 30, सेकेंड एंगल था 60 और थर्ड एंगल था 90। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 से 180 सिक्स टाइम्स में कैंसिल होगा, 60 से 180 थ्री टाइम्स में कैंसिल होगा, 90 से 180 टू टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन एंड पाई बाय 2 रेडियन। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, आप इसे प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।